अब हमारे द्वारा करवाए जाएंगे पंचायत स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में विकास। ग्राम पंचायत दो एडीएम पंचायत समिति पुगल के सरपंच मुखविंदर सिंह खोसा ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि जो पंचायत का वंचित विकास कार्य है सर्वप्रथम उसे करवाया जाएगा। वे पंचायत स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो आइए सुनते हैं खास मुलाकात में सुनील खिच्ची के साथ श्री मुखविंदर सिंह खोसा जी के पंचायत के प्रति विचारों को। ग्राम पंचायत दो एडीएम के अंदर वाकई जो सरपंच है नवनिर्वाचित सरपंच काफी भारी मुख फोटो से सरपंच के मैदान में सरपंची जीती उन्होंने। तो मुखविंदर सिंह जी को उनसे खास मुलाकात के अंदर बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत के मुद्दे एजेंडे पर लेकर आएंगे। पहले तो मैं मुखविंदर सिंह जी सरपंच आपको आरपीडी के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे सर्वोच्च होते हैं, जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का है, क्योंकि शिक्षा वो क्षेत्र का दूध है जो बीए का होता है। शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा? शिक्षा क्षेत्र में ऐसे है सर, जो भी मान लो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के लिए कोई भी योजना आ रही है नहीं, वो योजना लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई स्कूलों में बिल्डिंग वगैरह है वो नहीं बनवाने की कोशिश करेंगे। पहले वाली बिल्डिंग है जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रही है, थोड़ी कमजोर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश। सर बात करते हैं मूल भी सुन रहे ग्राम में जो इलाकों को जो काफी मान लो जो नुकसान होता है सर, जैसे नहीं मिलने के कारण, जैसे मान लो बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था है, उसके लिए क्या कुछ कदम रहेंगे? पेयजल में यदि जैसे पाइपलाइन वगैरह है वो लाने की कोशिश करेंगे। पेयजल थोड़ी यहाँ पे समस्या ही है पेयजल की, और कोई सरकार से अनुरोध करेंगे जैसे कोई टैंकी वगैरह है तो टैंकी वगैरह किसी में हो उनसे घर तक में जल दिए जाए, घर तक जल शुद्ध जल पहुँच सके, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर बात करते हैं नशे की सर, छोटे छोटे बच्चे आजकल इसकी चपेट में आ रहे हैं और मतन की ओर जा रहे हैं सर, उनसे मानदंड की हानि हो रही है सर, आर्थिक स्थिति डाउन हो रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं सर, उनसे आजकल देखा जाता है सर श्रेया कल्याण हो रहे हैं, सब नशे के कारण हो रहा है, इसकी पाबंदी के लिए क्या करना चाहते हैं? हम पहले तो ये सबसे भी अपील करते हैं नशे के नजदीक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नशा एक बहुत बुरी चीज है जिसके साथ खत्म कर देता है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे सर नशा इतना ज्यादा भी नहीं है, जो कंट्रोल ना है इसको पूरा, जो कोई है थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी कानून कार्रवाई वो करवाएंगे इसका वो करवाएंगे। सर बात करते हैं भ्रष्टाचार की, देखा जाता है सर अपने आपकी पंचायती राज के सर पहले करता रहते हैं, देखा जाए तो सर पंचायती राज में काफी भ्रष्ट लोग पाए जाते हैं सर, आपकी ग्राम पंचायत का किस आप स्तर है, उसको खत्म करने के लिए कोई आता है तो किस आप मुझे कहो? भ्रष्टाचार के लिए पूरे सख्त मुझे उठाएंगे, भ्रष्टाचार ना होने देंगे, इतना करेंगे, जो भी चीज आएगी सरकार की चीज ग्रामों तक पहुँचाएंगे और उनको कोई कोशिश। सर बात करते हैं आप एक युवा सरपंच हो सर, तो आपको जो जिताने में सरपंची जिताने में है भूमिका युवाओं की रही होगी, तो युवाओं के लिए क्या चाहते हो आप? युवाओं के लिए सर जैसे कोई खेल मैदान है, जैसे कोई पढ़ाई वाले बच्चे उनके लिए कोई पढ़ाई की भी अवस्था हो उसमें योगदान। सर बात करते हैं बालिका शिक्षा की, क्योंकि देखा जाता है अपने समाज में बालिकाओं को बहुत पीछे रखा जाता है क्षेत्र के अंदर, तो बालिकाओं को आगे लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे, क्या प्रयास करेंगे? बालिकाओं को आगे लाने के लिए पहले तो उनके जो भी बड़े सदस्य हैं उनसे यही फील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बालिका को शिक्षा दी जाए, और सरकार की तरफ से जो भी सुविधा आती है बालिकाओं के लिए पढ़ाई वगैरह कोई भी सुविधा आती है उस सुविधा को हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करके उन तक लाने की कोशिश करें। सर बात करते हैं किसानों की, क्योंकि आप भी एक किसान हो, हम सब किसान ही हैं सर, भारत के अंदर कृषि प्रधान देश है भारत, तो यहाँ पे 80% जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर करती है, तो किसानों के लिए क्या योगदान रहेगा सर, क्या काम करेंगे? किसानों के लिए सर यहाँ पे जैसे क्या है सर बात करते हैं हमारा पशु की सर, देखा जाता है हमारा पशु सड़कों पे बहुत ज्यादा घूम रहे हैं आजकल, जिससे क्या है कि एक्सीडेंट होने के चांस भी बहुत बढ़ रहे हैं, और जो किसानों की फसल है सर हरी भरी उसको भी मान लो नष्ट करने में एनडीपी का निभा रहे हैं सर, तो इनके लिए क्या प्रशासन से मांग कर रहे हो या इनके लिए क्या सुविधा निकाल रहे हो जिससे इनका भी सुविधा रूप से टेंशन जीवन यापन और किसान और जो अनुसूचित मान लो जेल में पहुंचे? सरकार से भी अपील करते हैं कि ये भी गौशाला वगैरह बनाई जाए उसमें कचरे रखे जाए, और गौशाला वगैरह की जो सुविधा है सरकार की जो भी योजना की होते हैं
तो पंचायत की तरफ से इनको संभाला जाए, तरीके का रास्ता रखा जाए, लोगों को भी नुकसान ना हो जाए। सर बात करते हैं सर नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए सर क्योंकि बात के अंदर नारी को बहुत ज्यादा मान लो उत्पीड़ित किया जाता है हर क्षेत्र के अंदर, तो आपके ग्राम पंचायत स्तर कैसा है और इसके लिए क्या मुद्दे रहेंगे, तो नारी सशक्तिकरण के लिए क्या करोगे आप? नारी शक्ति के लिए जैसे की योजना चलती है वो मेरे को और उसका नॉलेज लेंगे, जो भी योजना नारी शक्ति के लिए वो जाते हैं। सर बात करते हैं दूसरा, पहले भी आप राजनीति या सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, किस आप सरपंच ही आए सर, किसके बारे में बोलते कुछ हालात को देख के हमने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, लोगों की कोई भी कठिनाई है कोई और है उनको मतलब सही करने के लिए उनकी हेल्प की हमने उस तरीके से किया, लोगों ने प्यार जताया उन पर और ये सरपंच पद पर लेके आए हैं और मैं उनका पूरा मान भी रखूँगा, मान सम्मान रखूँगा उनके लिए जब आप खड़े सर। आप अपनी जीत का श्रेय किसको मानते हो? मैं जनता को देना चाहता, जनता जनार्दन है। सर बात करते हैं दूसरा, आपका पीडब्ल्यूडी रोड या प्रबंध है या इन निर्माण के लिए सर पहले का स्तर कैसा है और इसके लिए क्या आप सरपंच पद पे आए, क्या आप मांग रखे हो, क्या प्रशासन का पत्र मांग रहे हो? पहले तो सर पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे रोड ही है, काफी कोशिश करेंगे। सर आज पूरा देश आज आपको देख रहा है, ग्राम पंचायत के लोग भी आपको देख रहे हैं सर, कोरोना महामारी है सर यहाँ पे, आपके पॉजिटिव नेगेटिव या क्या संबोधित करना चाहते हो पूरी ग्राम पंचायत पूरे देश को सरपंच होने के नाते, कि मान लो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम होती किस आप पालना कीजिए इसके बारे में? नियमों की पालना करनी चाहिए और जो मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए, सैनिटाइजर और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, जो भी गाइडलाइन जारी हुई है उस गाइडलाइन की पालना करें। सरपंच साहब का बोलना है कोरोना महामारी है, इसका कोई इलाज या इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, लेकिन इसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसे बचा भी जा सकता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना की जाए, जैसे मास्क घर से बाहर जाए तो मास्क लगा के रखें, दो गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर टोल सब उनसे हाथ धोते रहें और साथी जगह से बचे भीड़ भड़क की जगह न जाएं। मैं सुनील की तैयार के लिए सबसे कुछ मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।